नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहली बार जेईई एडवांस के लिए इतने शहरों में होगी परीक्षा। बिहार में भूमि विवाद की होगी केंद्रीय मॉनिटरिंग। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के नाम एक और उपलब्धि। बदल गया आंगनबाड़ी केंद्रों का समय। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच साइकिल का बढ़ा क्रेज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पहली बार जेईई एडवांस के लिए इतने शहरों में होगी परीक्षा। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2022 की तारीख तय हो गई है। परीक्षा 28 अगस्त को देश के 209 शहरों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य में पहली बार पटना सहित 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जेईई एडवांस का आयोजन करने वाले संस्थान आईआईटी मुंबई ने बिहार का परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। बिहार में पटना के साथ साथ आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बिहार शरीफ नालंदा, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। जेईई एडवांस के लिए पहली बार 11 जिलों में सेंटर बनाए जाने की तैयारी है। इससे पहले जेईई एडवांस का सेंटर केवल पटना में रहता था, लेकिन इस बार शहरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इन सभी शहरों में सेंटर सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रतन राजपूत की। रतन राजपूत एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर हैं, जिन्हें जी टीवी पर अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली के किरदार के लिए जाना जाता है। बाद में उन्होंने महाभारत में अंबा और संतोषी में संतोषी की भूमिका निभाई। रतन का जन्म और पालन पोषण बिहार में हुआ और वहीं से उनकी स्कूली शिक्षा हुई। रतन ने 2006 में रावण के साथ टेलीविजन की शुरुआत की। राजपूत ने टेलीविजन में लाली के अपने चित्रण के साथ प्रमुखता हासिल की। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो श्रृंखला और कई प्रशंसा अर्जित की। 2013 में रतन ने एक रियलिटी शो बिग बॉस 7 में भी हिस्सा लिया था और 28वें दिन वो घर से बाहर हो गई थी। रतन ने अपने पिता को खो दिया और जब वो इससे निपटने के लिए यात्रा करना शुरू कर चुकी थी तब वो अवसाद में पीड़ित थी। 2020 में लॉकडाउन के बाद रतन ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो अपनी यात्रा की कहानी साझा करती है। रतन लॉकडाउन वीडियोस ने इंटरनेट पर काफी धूम मचा दी और प्रमुख समाचार पोर्टल पर भी इसे कवर किया गया था। बिहार में भूमि विवाद की होगी केंद्रीय मॉनिटरिंग। बिहार में भूमि विवाद नासूर बीमारी की तरह है, जिसको सुलझाने की कितनी भी कोशिश की जाए सब किसी न किसी मुहाने पर व्यर्थ चली जाती है। हालांकि बिहार सरकार फिर भी तत्परता के साथ इसको सुलझाने में लगी हुई है। यही कारण भी है कि बिहार सरकार जमीन विवादों को बिहार में कम करने के लिए एक के बाद एक नए नियम को लागू करती रही है, क्योंकि भूमि विवाद ही एक ऐसी वजह है जिसके कारण दुश्मनों की रैली खड़ी हो जाती है और परिवार के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं और खामियाजा जान गंवा कर चुकाना पड़ता है, जिसके बाद ही अब बिहार में भूमि विवाद को निपटाने के लिए मुख्यालय स्तर से केंद्रीय मॉनिटरिंग होने वाली है। इसको लेकर ही हाल ही में गृह विभाग की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों को नोडल पदाधिकारी बनाने का आदेश भी जारी किया है। बिहार हेडमास्टर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक के 6421 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक बताई है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन तक जारी किया है, जिसके तहत ही अब जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं भरा है, वैसे इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार अभ्यर्थी 21 अप्रैल 2022 तक आवेदन और 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराना अब बिल्कुल आसान। बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में बिहार सरकार ये चाह रही है कि प्रदेश में जमीन से जुड़े हुए मामलों को जितनी जल्दी हो सके उसे कम कर दिया जाए। ऐसे में बिहार सरकार इन दिनों जमीन सर्वेक्षण का काम कर रही है, जिससे कि निजी जमीन के साथ ही गैर मजरुआ जमीन की भी पहचान की जा रही है। साथ ही साथ रैयत की जमीन को भी सही किया जा सके, जिससे कि प्रदेश में जमीन बंटवारे के मामले सबसे ज्यादा है उसे कम किया जा सके। ऐसे में अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जमीन रजिस्ट्री के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि विभाग के पास के इस तरह की बहुत शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जमीन रजिस्ट्री के समय अलग से पैसा देना पड़ता है
उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री होती है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने इसके लिए अलग से पूरा काम कर दिया, जिसमें अब आपको जमीन की रजिस्ट्री के अलावा एक भी रुपया नहीं देना होगा। शराब पीते पकड़े जाने पर विशेष न्यायालय से जमानत, तो वहीं ट्रकों की रेकी करेगा ड्रोन। शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया गया है, जिसके बाद यह पहली बार बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेशी कर जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से 380 कार्यपालक दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक कार्यपालक दंडाधिकारी को द्वितीय श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारियों की शक्तियां नहीं मिली है, जो कि पटना हाईकोर्ट के स्तर से दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही अब बिहार में अब ड्रोन की मदद से ग्रिड की तस्वीरें और वीडियो बनाने की तैयारी हो रही है। इन ग्रिड की निगरानी के लिए मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने प्री सेट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। असम सीधी भर्ती आयोग ने निकाली रिक्तियां। असम सीधी भर्ती आयोग ने चतुर्थ श्रेणी पद के कुल मिलाकर 13,300 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 8वीं कक्षा और अधिकतम 10+2 पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट asam.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के नाम एक और उपलब्धि। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। लगातार 4 वर्षों से समय पर और सफलतापूर्वक बोर्ड परीक्षाएं कराने और उनका परिणाम त्रुटि रहित जारी करने को लेकर अब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलने जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये अवार्ड उन्हें 20 और 21 अप्रैल 2022 को दिल्ली में मनाए जा रहे सिविल सर्विस डे के मौके पर दिया जाएगा। इससे पहले पिछले साल 2021 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से उन्हें आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान 25 मार्च 2021 को आयोजित वर्चुअल सम्मान समारोह में बोर्ड अध्यक्ष को ये सम्मान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दिया था। बिहार के शहरी निकायों में 15 साल बाद बदल गई चुनाव प्रक्रिया। बिहार के शहरी निकायों की व्यवस्था में पहली बार सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 15 साल के बाद इससे जुड़े कानून में संशोधन हुआ तो इसके अनुरूप नई नियमावली भी तैयार की गई। वहीं अच्छी बात तो तब हुई जब नियमावली को औपचारिक तौर पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। इसके बाद ये लागू भी हो गई है, जिसके तहत ही अब राज्य में होने वाले मेयर डिप्टी मेयर के साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव सीधे जनता के वोट से होंगे। प्रदेश सरकार ने बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर मुहर लगा दी है। 30 अप्रैल को बिहार के इस शहर का हो जाएगा विस्तार। 30 अप्रैल की तारीख बिहार के भागलपुर जिले के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन भागलपुर शहर का विस्तार होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 30 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों की बैठक में सुझाव लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो शहरी क्षेत्र में 262 से अधिक राजस्व गांव को शामिल करने का काम भी हो जाएगा। हालांकि ये काम काफी हद तक हो गया है। इसका दायरा सबौर, जगदीशपुर, नाथनगर और गोराडीह प्रखंड तक पहुंच गया है। भागलपुर नगर निगम के आसपास की घनी आबादी वाले क्षेत्र को शामिल कर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यही है कि भले ही 262 गांव के लोग शहरी बाबू कहलाएंगे, लेकिन टैक्स बिल आदि ग्रामीण क्षेत्र का लगेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय स्थिति पर डीएम से जवाब तलब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की स्थिति को देखते हुए भले ही बिहार सरकार कुछ ना कर पा रही हो, लेकिन पटना हाईकोर्ट के लिए ये परेशानी का कारण बना हुआ है। यही कारण भी है कि कोर्ट बार बार इस मामले पर सुनवाई कर संबंधित लोगों से जवाब तलब कर रही है। इसी बीच अब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय हालत के संबंध में दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक पटना स्थित राजेंद्र स्मृति 1 और 2 का पटना के डीएम के साथ जायजा लेकर आज रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। हालांकि इससे पहले कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि बिहार विद्यापीठ परिसर में सभी गैर कानूनी अतिक्रमण को हटा दिया गया है, साथ ही बिहार विद्यापीठ के प्रबंधन का जिम्मा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपा गया है। उत्तर पूर्व बिहार में 21 अप्रैल तक आंधी पानी के साथ ठनका गिरने की आशंका। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। उत्तर पूर्व बिहार में आंधी पानी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे हालात 21 अप्रैल तक बने रह सकते हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार में पछुआ हवाओं का प्रभाव बरकरार रहेगा और लू चलेगी।
हालांकि तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार अररिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इन इलाकों में चल रही पुरवैया की वजह से ऐसे हालात बने रहेंगे। बिहार को मिला इतना करोड़ राजस्व संग्रह। बिहार सरकार को खनन विभाग ने एक साल में 244 करोड़ राजस्व संग्रह दिया है, जो लक्ष्य का 94% है। राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारियों को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बधाई दी है। इसको लेकर हाल ही में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में खनन टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रहण में 260 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 244 करोड़ रुपए की उपलब्धि हासिल हुई। बैठक में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई, राजस्व संग्रहण और वाहनों का अधिग्रहण, सर्वेक्षण प्रतिवेदन, जिला अंतर्गत संचालित ईंट भट्टों में स्वामित्व भुगतान, दंड मद में राजस्व संग्रहण सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा को गिरिहिंडा पहाड़ के रूप में प्रकृति का अमूल्य वरदान मिला है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जिसकी चोटी पर एक शिव मंदिर है, जिसे बाबा कामेश्वरनाथ की मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी से नीचे देखने पर टेढ़ी मेढ़ी नदियों के उजले रेत, बगीचों एवं उपवनों की झुरमुटे तथा लहलहाते खेत अत्यंत ही मनोहर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसके चोटी पर बाल उद्यान, कैंटीन, फव्वारा, हाई मास्ट लाइट और इसकी चोटी पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचने हेतु 2200 फीट लंबे पक्के सड़क का भी निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि गिरिहिंडा पहाड़ का संबंध महाभारत काल में भी है। बदल गया आंगनबाड़ी केंद्रों का समय। बिहार भर में भीषण गर्मी के सितम को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया गया है, जिसके तहत ही अब इन केंद्रों का संचालन सुबह के समय में कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी का संचालन सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ICDS के राज्य निदेशालय के आदेश पर नया समय निर्धारित किया गया है। अभी तक 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक केंद्रों का संचालन हो रहा था। चूंकि दोपहर में भीषण लू की स्थिति होती है, ऐसे में इस दौरान केंद्रों के संचालन से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था। इसको लेकर कई स्थानों पर तो अभिभावकों का सेविका के साथ विवाद भी हो रहा था। नई व्यवस्था राज्य मुख्यालय के अगले आदेश तक बनी रहेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच साइकिल का बढ़ा क्रेज। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी की जेब पर भारी असर देखने को मिला है। पेट्रोल की कीमत वर्तमान समय में 115 से 116 रुपए के पार चल रही है। ऐसे में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कारण लोगों के बीच में अब साइकिल और ई साइकिल की मांग में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हर महीने ही लगभग 5,000 से ज्यादा साइकिल की बिक्री बढ़ गई है। पहले साइकिल की बिक्री हर महीने औसतन 4,000 के आसपास रहती थी। साइकिल कारोबारियों की माने तो बीते 2 महीने में साइकिल की मांग में 15 से 25% के बीच वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में लोग साइकिल दुकानों पर पहुंच रहे हैं और अपने बजट के अनुरूप साइकिल ढूंढ रहे हैं। बिहार में अब इतने करोड़ बच्चों को मिलेगी कृमि मुक्ति की दवा। बिहार में अब कृमि मुक्ति की दवा बच्चों को देने की तैयारी हो रही है। योजना के अनुसार बिहार में लगभग 4,87,94,306 बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 22 अप्रैल को और छूटे हुए बच्चों का मॉपअप राउंड 26 अप्रैल को होगा। बिहार के 31 जिलों में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को कृत्रिम नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी। बिहार में कृत्रिम की संक्रमण दर में भी गिरावट आई है। साल 2011 में राज्य में कृमि संक्रमण की दर 67.5% थी, जो कि 2019 में घटकर 24.6% हो गई, जिसके तहत ही अब राज्य के 31 चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलेगा। बिहार के विशेष राज्य की मांग पर केंद्र ने 4 महीने बाद दिया जवाब। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए जाने की मांग को लेकर योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पिछले साल 9 दिसंबर को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। करीब 4 महीने बाद उसका जवाब आ गया है। पत्र में कहा गया था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार को कई मानकों पर पिछड़ जाने के आधार पर विशेष दर्जा दिया जाए, ताकि इससे मिलने वाली सुविधाओं के माध्यम से राज्य का विकास हो सके। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पत्र के जवाब में विशेष राज्य की मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास और खासकर गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में सहायता कर रही है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के मामले में सामान्य और विशेष श्रेणी का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। सभी राज्यों के बीच इसका समान वितरण किया जाता है। रद्द हुआ 6400 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती का रिजल्ट।
बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग BTSC की तरफ से कनीय अभियंता पद के लिए जारी रिजल्ट को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रद्द कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयोग ने कनीय अभियंता के करीब 6400 पदों के लिए इसी महीने की 3 तारीख को रिजल्ट जारी किया था। ज्ञात हो कि इस भर्ती प्रक्रिया में सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल डिप्लोमाधारियों को 40% आरक्षण का लाभ देते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। 60% सीटें ओपन रखी गई थी। कोर्ट ने इसी प्राविधान पर एतराज जताया और फिर से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। तेज प्रताप का नया रूप आया सामने, स्विमिंग पूल में उतरे तेज। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे राजनीति में तो उतने एक्टिव नहीं रहते, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके अतरंगी कामों की खूब चर्चा होती रही है। इसी बीच तेज प्रताप यादव का एक और वीडियो देखने को मिल रहा है, जब तेज प्रताप यादव दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए पहुंच गए। पानी के अंदर उन्होंने अनोखे करतब तो दिखाए ही, कृष्ण की भक्ति करते हुए भी नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई का अनोखा अंदाज इंटरनेट मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। यूजरों का कहना है कि मान गए तेजू भैया। विधान परिषद में सचेतक और उप सचेतक के नाम की हुई घोषणा। बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम की घोषणा हाल ही में की गई, जिसके बाद ही बीते दिन सदन में सत्तारूढ़ दल के सचेतक और उप मुख्य सचेतक के नाम की घोषणा की गई। सीएम नीतीश के आदेश के साथ ही बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत ही भारतीय जनता पार्टी के MLC दिलीप कुमार जायसवाल को सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बनाया गया। दिलीप जायसवाल के पास पहले भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब फिर से उनकी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए निकाय कोटे से उनकी सदस्यता अवधि पूरी होने और अब चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से उनकी नियुक्ति की गई है। अमर पासवान करेंगे तेजस्वी से मुलाकात। बिहार विधानसभा के एक सीट बोचहा में हुए उपचुनाव में राजद को जीत दिलवाने के बाद निर्वाचित MLA अमर पासवान ने बीते दिन तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जीत के बाद तेजस्वी यादव से ये उनकी पहली मुलाकात थी। मिली जानकारी के अनुसार इस मुलाकात में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के अलावा मुजफ्फरपुर राजद के कई और नेता भी उपस्थित थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा उपचुनाव 2022 में राजद ने शानदार जीत दर्ज की है। राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने 36,653 वोट से भाजपा कैंडिडेट बेबी कुमारी को हराया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जहांदर शाह 1712 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एयर इंडिया के बेड़े में 1960 में पहला जेट विमान बोइंग 707 शामिल हुआ। भारत ने 1971 में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता। सुरेंद्र कुमार गुजराल 1997 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। भारत ने 2006 में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की। महाराष्ट्र भाजपा के नेता और राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने 2011 में 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। प्रसिद्ध राजनेता और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जन्म 1950 में हुआ। 1970 में भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का निधन हुआ। बिना ऐप खोले गूगल पे से हो जाएगा पेमेंट। अब ऑनलाइन पेमेंट करना और भी आसान हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट ऐप खोलने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको फोन मशीन से टच करना होगा और चुटकियों में पेमेंट हो जाएगा। ऐसा ही सुविधा गूगल पे द्वारा भी दिया जा रहा है। जी हाँ, गूगल पे ने पाइन लैब्स के सहयोग से एक नए फीचर की घोषणा की, जो आपको UPI के लिए भी टैप टू पे का उपयोग करने की अनुमति दे। बैंगलोर ने लखनऊ को 18 रनों से दी मात। IPL 2022 के 31वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से पटखनी दी। इस जीत के साथ RCB पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। 7वें मैच में यह टीम की 5वीं जीत है। RCB से ऊपर अब सिर्फ गुजरात टाइटंस है। बैंगलोर की इस जीत में कप्तान डुप्लेसी के साथ ही हेजलवुड चमके। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान फोफ डुप्लेसी की 96 रनों की पारी के दम पर लखनऊ के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में टीम निर्धारित 20 ओवर में 163 ही रन बना पाई। जोश हेजलवुड ने इस दौरान 4 विकेट लिए। यह इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का IPL में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, अमित कुमार, शंकर मुखिया, गौरव कुमार, अखिलेश यादव, मिथुन चौधरी, सुजॉय कुमार, ध्रुव कुमार, राजीव कुमार, सौरभ मिश्रा, अरविंद कुमार, चांद किशोर,
रामबाबू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।